तो आज हम जाने वाले एक गुफा में, ये है ज्ञानी चोर की गुफा। ज्ञानी चोर की गुफा, ज्ञानी चोर की बावड़ी महम में है ये। लोगों का कहना है कि यहाँ एक कुआ है जिसमें ज्ञानी चोर अपने घोड़े के साथ छलांग लगा देता था, और वो भी पानी में। घोड़े के ऊपर बैठ के छलांग लगा देता था पानी में, और वो कहाँ निकलता था ये किसी को नहीं पता। यहाँ बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं उर्दू भाषा में, आज तक उनको कोई पढ़ नहीं पाया है। ये उनकी एक विशेषता है, और कहते हैं जो उनको पढ़ लेता है वो मर जाता है, ऐसी मान्यता है। तो चलो दिखाते हैं आपको आज ज्ञानी चोर की गुफा। लेट्स गो। ये है ज्ञानी चोर की गुफा। ये डिपार्टमेंट दोबारा से रिस्टोर की गई है, डैमेज हो गई थी। ये जो इट्टे लगी हुई है यहाँ, ये वाली इट्टे दोबारा से लगाई गई है। पहले इस टाइप की ईंटों की बनी हुई थी ये सारी सीढ़ियाँ दोबारा से बनाई गई है। वो कुआ आगे है, हाँ यहाँ रास्ता था। अब वो जो दिल्ली की साइड बताया कि दिल्ली की तरफ जाया करता, और एक और था, कौन सी जगह का नाम था, मैं तो नाम भी भूल गई। चलो पहले नीचे चलते हैं। ऑक्सीजन की कमी सी है थोड़ी सी यहाँ, और एक जो अंदर का वाइब्रेशन गलत से आ गया, डर वाली वो वाइब्रेशन आवे, सच में डर लग गया पुरानी जगह पर। यो जब मैं छोटा जब आया करता तो वहाँ जा सकते थे, वहाँ कुआ है, वहाँ है वो कुआ। अब बारिश आई तो पानी भर गया, बारिश आई तो पानी भर गया। ऊपर से देखेंगे इस कुएं को हम, तो नीचे से हम आपको ये व्यू दिखा देते हैं। ये देखिए चलो यहाँ से। हम ऊपर आ गए, तो यहाँ से भी वही व्यू है।
चोर जो था वो अंग्रेजों का सोना लूट के लाया करता है ना, पूरा घड़े भर भर के ला के इसमें दबा रखे हैं। यानी चोर को बताते हैं कि वो अमीरों से सोना लूटता था और गरीबों में बांट देता था, और कोई पकड़ नहीं पाया उसको क्योंकि वो जो उसकी दया पर पानी के अंदर छलांग लगाई तो रास्ता सिर्फ उसको पता था और किसी को कहाँ निकलता था किसी को पता ही। इस रास्ते में चले ठीक है, एक बारात रुकी थी यहाँ पे आके, पैदल जाया करते बैलगाड़ी वगैरह में, तो यहाँ आराम करने के लिए रुके वो, और वो बारात जितने भी बाराती थे उसमें वो जानी चोरी गुफा देखने आए थे और वो काफ़ी अंदर चले गए, पूरी की पूरी बारात वो काफ़ी अंदर चली गई उसको देखने के लिए और फिर वो बाहर ही नहीं निकल पाए। ना तो वहाँ पहुँचे जाना था उनको ना वो वापस बाहर निकले, तो पूरी की पूरी बारात को निकल गया। तो आपको इस दरवाजे से दिखाते हैं हर... तो डर नहीं लगता। अच्छा नीचे तो डर लग रहा था, अब डर नहीं लगता। इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें थी देखो, एक बार अगर बारूद लगा दे बारूद से भी ना फटे, इतनी चौड़ी दीवार। हाँ शाहजहाँ बनवाई थी ये अपने सैनिकों के लिए कि वो यहाँ पे आराम कर ले और उनकी पानी की व्यवस्था हो जाए यहाँ पे, इसलिए बनवाई थी। ये देखो ये रास्ता एक और भी है ना वहाँ से, ये एक और रास्ता है जो उस कुएं के पास जाता है। चले चलो रुको रुको आओ एक चीज दिखाऊंगा। चलो देखो अंदर का तालाब जो हमने देखा नहीं था। ये है वो कुआ देखो, देखो वो लिख रखा है उर्दू में, क्या लिख रखा है वो पता नहीं, देखिए हमको उर्दू पढ़ नहीं आती। अर्पित और ये वो तालाब था, एक और कुआ आ गया, देखने में भी काफी डरावना लग रहा है, इतना गहरा कुआ है। मेरे देखो कितने छोटे छोटे पत्थर लगा रखे, मतलब पानी जब निकालते थे रस्सी से खींचने के लिए ना। ये पत्थर पानी निकालने के लिए जो पुलिया लगाई जाती थी उसके पत्थर, बहुत ही भयानक हुआ है भाई। यहाँ पे देखो ये वो है बाथरूम बनाने का बंकर बोल सकते हैं इसको, बाथटब है ये, बाथटब एक उस साइड भी है ये। दो बात जानी चोर का जब दिल होता होगा तो वो यहाँ पर स्नान करता होगा, अभी तो पता नहीं किस लिए यूज करते हैं इसको। तो ये है व्यू यहाँ से ऊपर से ज्ञानी चोर की गुफा का, ये है पूरा व्यू ज्ञानी चोर की। तो गाइस बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, लेकिन डर भी लगा नीचे जब गए थे, काफी सारा डर था, बहुत फील हो रहा था बॉडी को कि भाई कुछ है, समझ जाओ आप बस भूत है ना। और नहीं लगती कुछ, चलो खाली हो गए जाकर, खाली हो गए क्यों नहीं आ, चलो चलते हैं नीचे कैमरामैन नहीं। गिलहरी तो जा सकती है वहां, ये देखिए चले पापा।
रास्ता है या फिर पानी जैसा कुछ है? रास्ता ओ रास्ता है नीचे रास्ता नहीं बेटा, अब तो पानी भरा है ना उस साइड में। इसमें नहीं घूम का एक बार नहीं बेटा, इससे तो वापिस आए थे बाहर।